थावला कस्बे में आज असामाजिक तत्वों द्वारा घिनौनी हरकतें करते हुए कचरा संग्रहण ट्रॉली में आग लगा दी। वार्ड पंच पति दिलीप खटोड़ और असामाजिक कार्यकर्ता नेमी चंद सेन से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती रात अज्ञात लोगों द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थावला के खेल मैदान के पास बने मुख्य द्वार और पेशाब घर के पास में रखी गई कचरा संग्रहण ट्रॉली में आग लगा दी गई। देर रात इस घटना को अंजाम देकर अज्ञात असामाजिक तत्वों ने ग्राम पंचायत को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। फिलहाल आसपास के सीसी कैमरे खंगाल कर घटना को अंजाम देने वालों के पास से पहुंचने की कोशिश की जा रही थी। कस्बे में रखी गई जगह जगह पर कचरा संग्रहण ट्रोलियों को इससे पहले भी कई बार आग के हवाले किया गया है, जिसकी जनता ने घोर निंदा करते हुए ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करने की बात भी कही है। इस घटना को लेकर खबर लिखे जाने तक कोई पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं रेखा कुमावत, आइए मैं आपको लाइव तस्वीर दिखाऊंगी आज, जहां पर अज्ञात लोगों ने कचरा ट्रॉली को जलाकर कर दिया है। आग किसने जलाई होगी कचरा ट्रॉली और आग लगाने के पीछे क्या है मकसद, आइए देखते हैं पूरी खबर। बेरंदा रोड पर ये कचरा पात्र की एक ट्रॉली लगाई हुई है, वहाँ पर किसी ने आग लगा दी, तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं और सीसीटीवी कैमरे अभी खंगाले जा रहे हैं, तो किसने ये आग लगाई उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आखिर किसने की होगी ये करतूत, किसने जलाई होगी कचरे की ट्रॉली को, क्यों किया गया ऐसा, घटना को अंजाम देने के पीछे क्या रहा उनका मकसद। नमस्कार, मैं हूँ शेखर सारस्वत और आज मैं आपको लेके आया हूँ थावला की उस लाइव तस्वीरों के बीच में, जहां पर आप देख पाएंगे कि ग्राम पंचायत द्वारा कस्बे में मुख्य जगहों पर रखी गई इस प्रकार की कचरा ट्रॉली, जिसको बार बार असामाजिक तत्वों द्वारा घटना को अंजाम देकर जला दिया जाता है, आज फिर उसी अंजाम में एक ट्रॉली फिर से सुबह हो गई। आखिर कौन है वो जो जगह जगह पर रखी गई ट्रॉली को बार बार जला रहा है। हालांकि इस मामले में आसपास में लगे हुए सीसी कैमरों को खंगाले जा रहे हैं, बहुत जल्द पकड़ा जाएगा वो शख्स जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है। तो आइए देखते हैं लाइव तस्वीरें कि कितना नुकसान हुआ है और आखिर ये घटना को अंजाम देने वाला है कौन। टोली के अंदर जो भी आग लगी वो गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, और ग्राम पंचायत की जो टोली लगाई है उसके अंदर नुकसान किया वो नहीं होना चाहिए, ऐसे आदमी पर कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।